Hello everyone, welcome again to Rasoi Hacks, the home of FATAFAT recipes. आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन आटा और सूजी से बनने वाले हलवे की रेसिपी जो 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है और इसमें आप घी ऑयल शुगर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब हम बेसन आटा सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1/2 कप सूजी, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप आटा, 1/4 कप घी और साथ में हम कुकिंग ऑयल भी यूज करेंगे। आप चाहें तो इसे टोटली घी में भी बना सकते हैं। 1 कप हमने शुगर लिया है और इन तीनों का 3 गुना हमने ये 3 कप पानी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स के डिटेल आप हमारे वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। पैन में अब हम 1/4 कप ऑयल डाल लेंगे और इसी में सूजी, बेसन और आटा को एक साथ भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। आपको हो सकता है इसमें ऑयल या घी ज़्यादा डालना पड़े। अगर आप थोड़ा सा मोटा आटा या मोटी सूजी यूज कर रहे हैं, इसे मीडियम हीट पर ही हम हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल अब हम और डाल देंगे क्योंकि ये सूजी थोड़ी मोटी लग रही है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग रही है और चेंज कलर भी इसका चेंज हो गया है। जो हमने घी लिया था, आधा घी हम अभी डाल देते हैं और इसको हिलाते रहेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। इसका कलर आप देख रहे हैं अच्छा सा हो गया। हीट काफी कम कर देंगे और शुगर को डायरेक्ट हम इसमें मिक्स कर देंगे। शुगर मिक्स होने के बाद जो हमने पानी लिया है वो इसे लगातार मिलाते हुए डाल देंगे। और फ्लेम भी बढ़ा लेंगे। ये थिक होने लग गया है और इसके रेडी होने की पहचान है कि जब ये बन जाता है या बनने को रेडी है तो ये पैन की साइड्स अपने आप छोड़ने लग जाएगा। ऑलमोस्ट बन चुका है। हलवे ने पैन को साइड से छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें भजा हुआ घी डाल देंगे और साथ ही आधे ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल रहे हैं, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और ये खाने के लिए रेडी है। इसमें घी हम बाद में इसलिए डालते हैं, इससे हलवे में थोड़ी शाइन आ जाती है। ये बेसन आटा सूजी का हलवा खाने के लिए और सर्व करने के लिए रेडी है। आई एम श्योर आपको बेसन आटा सूजी से बनने वाले इस हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी।
आप इसे बनाएं और अपना फीडबैक हमें दें। हमारे चैनल रसोई हैक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही एक और नई फटाफट रेसिपी के साथ। थैंक यू।